एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज मेरे साथ एक दो नहीं पूरे चार चार सिलेक्टेड बच्चे हैं, और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि पुनीत सर ऐसा टाइम निकाल के वीडियो कर पाए। लेकिन ये खास लोग हैं जिनके साथ वीडियो की जा रही है, तो कुछ खास रीजनिंग में बताने वाले हैं कि कैसे कैसे इन्होंने रीजनिंग पढ़ी, क्या क्या इन्होंने सीखा, और अपनी लाइफ में इनकी रीजनिंग पढ़ने के बाद क्या चेंजेस आए। तो चलते हैं सबसे पहले मैम की तरफ। मैम बताइए अपने बारे में कुछ, आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है प्लीज। मेरा नाम मोनिका यादव है, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। मैंने IBPS PO क्रैक किया है एंड IBPS कलर का एग्ज़ाम। मेरे एग्ज़ाम को क्रैक करने में जो मेन सबसे जो सब्जेक्ट जो मैटर करता है वो है रीजनिंग। एंड जो पुनीत सर हैं उनकी रीजनिंग की कुछ क्लासेस होती थी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक 10 बजे 10 पजल, 7 बजे 7 पजल। ये जो क्लासेस थी ये इतनी हेल्पफुल थी प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर हम पहले ही सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो बाकी के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। देन उसके बाद प्री के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते ही सर मेंस की क्लासेस लेते थे, लाइक मेंस मैराथन फॉर 45 आवर्स। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी हम कैंडिडेट्स के लिए। एंड मैं तो इतना बेसब्री से वेट करती थी डेली कि सर की क्लासेस आएंगी, ये पजल्स सॉल्व करनी है। और मैं तो अपनी गुड़िया के साथ, कई बार क्या होता था कि मेरी गुड़िया आधी पजल सॉल्व कर ली और वो पेज फाड़ देती थी। देन आई थिंक ये क्या कर दिया, देन मैं उस पजल को दोबारा सॉल्व करती और नेक्स्ट डे सर पूछते कितने मिनट में सॉल्व हुई कैंडिडेट से पजल, सब बताते 2 मिनट 4 मिनट। कई बार मैं सोचती ओहो मेरी तो 20 मिनट लग गई इसमें, बट ऑल बिकॉज ऑफ सर बस हो गया ये सब कुछ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, देखो ये मैरिड है, इनकी एक डॉटर है, उसके बावजूद इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई की और एग्ज़ाम अभी आपको निकाले इन्होंने बताया। अब चलते हैं सेकंड कैंडिडेट की तरफ। मैम व्हाट डू यू, बताइए अपने बारे में कुछ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी कौशिक। आई हैव क्लियर्ड SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क दिस ईयर। एंड आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट माई रीजनिंग स्ट्रैटेजी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यूट्यूब पे मैंने पहले देखा था कि रीजनिंग कैसी आती है और क्या करना चाहिए। तब मुझे पुनीत सर की वीडियोज़ मिली थी यूट्यूब पे, तो पुनीत सर की वीडियो मिलने के बाद मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले सर के यूट्यूब वीडियो से ही देखे, फिर मैंने सर का मेंस का पूरा कोर्स देखा ऐप पे, और सब जब मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग के बारे में जो कि मैं कुछ नहीं जानती थी पहले, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी रीजनिंग, सर की वीडियोस देखने के बाद पूरा कोर्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा पूरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बनता गया, मुझे सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगे, मॉक में अच्छे मार्क्स आने लगे। तो मैं पूरा क्रेडिट अपने सब्जेक्ट का 0 to infinity, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सिर्फ और सिर्फ पुनीत सर को देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे कैंडिडेट की तरफ, और इन्होंने भी काफी सारे एग्जाम निकाले हैं। भाई बताओ, तुम ही बताओ रीजनिंग की अपनी स्ट्रेटजी और कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हें लगता है कि यार वो शेयर करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल कुशवाहा है। मैंने टोटल इस साल 6 एग्जाम्स क्लियर किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम RRB क्लर्क, IPS PO, IPS SO IT ऑफिसर, और BIS SSA, और EISA UDC। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी 2020 जून में मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी थी बैंकिंग की। सबसे पहले सर टीचर मेरे पुनीत सर ही थे। जब उनको मैंने क्लासेस चालू करी थी तब अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। बट उस टाइम मैंने बस सर की क्लासेस लेता था, और सर ने उल्टे हाथ से पढ़ाना जो चालू किया था ना, मुझे वो आज भी याद है कि सर वो उल्टे हाथ से लिखते थे और उन्होंने लिखना पूरा कर दिया था और हाथ से उल्टे हाथ से पढ़ाते रहते थे। और उस टाइम मेरे को इतना मोटिवेट हुआ था कि सर की ऐसी कंडीशन में भी सर ने ऐसा पढ़ाया और इतना अच्छा पढ़ाते थे उस समय भी, मैंने कहा सर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यकीन मानो उस समय से मैंने अपनी रीजनिंग पहली बार पढ़ना चालू किया था, और शुरू से लेकर एंड तक पूरे दे बताया हूँ, और अब तक मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरा रीजनिंग ही है। और सबसे बड़ी बात, जो सर की जो सबसे बड़ी जो क्लास है 10 बजे 10 पजल वाली, उसको तो कोई नहीं भूल सकता, वो मतलब सबके लिए वरदान ही है हमारे लिए। और क्या बोलते हैं जो सर के, और सबसे बड़ी बात जो सर का ये है यूट्यूब पे जो पढ़ाते थे उनकी सारी की सारी फ्री क्लासेस होती थी, और मैं पेड के बाद फ्री ही करता था। फिर पूरा के जो 2022 में मैंने अपना सारी क्लासेस मैंने सर की सब फ्री ली, और जो कुछ लेनी थी तो वो पेड भी ली। मगर सर ने इतना ज़्यादा कंटेंट फ्री में दे रखा था कि चाहे वो इनपुट आउटपुट की हो, चाहे मेंस की पजल्स हो, चाहे कोई भी हो, 10 बजे 10 पजल वो मैं कभी नहीं छोड़ता था, वो मेरा रूटीन बन चुका था डेली का। और थैंक यू फॉर और इस साहब पुनीत सर का बस यही रीजन। तो पहले ये बताओ आप में से कितने लोग 10 बजे 10 पजल करते थे सर? वो तो सर क्या लगता है मतलब पजल में इसका फैक्टर है, मतलब ये
जो इम्प्रूव करने में 100% वो मेरा छूटते नहीं था, वो मेरे रूटीन में पजल में जो मूवीज का तड़का था, पुष्पा झुकेगा नहीं, पानी की टंकी, वो अनबिलीवेबल चीजें हैं आपकी। तो अब चलते हैं फोर्थ कैंडिडेट की तरफ, आप बताओ यार आपकी क्या जर्नी रही और आपको क्या लगता है कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें आपने सीखी और किस तरीके से की, बताओ जरा। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माई नेम इज शोभित मिश्रा एंड मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया पीओ में एंड यूको बैंक क्लर्क में हुआ है। तो मेरे लिए अब तक की सबसे अगर बेस्ट मूवमेंट बताऊं तो मुझे यही लग रहा है कि मेरा लास्ट टाइम सिलेक्शन 0.7 से रुका था, तो ये मेरे लिए अब तक का सबसे बेस्ट मूवमेंट मैं मानूंगा, क्योंकि अगर पिछली बार हो गया होता तो सर से मिलने का शायद ऐसे मौका भी नहीं मिल पाता। एंड पुनीत सर की वजह से, सर की जो जैसा कि सर भाई ने बताया कि 10 बजे 10 पजल, पहले एक्चुअली जब मैं पजल सॉल्व करता था तो क्या होता था कि मैं कंडीशन ही कई बार नहीं नोट कर पा रहा हूँ, बच्चे कमेंट कर देते थे कि हाँ डन 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 या ऐसा हो जाता था, समझ ही में नहीं आता था कि होगा भी कि नहीं होगा। प्रोसेस होता है, सर बताते थे कि एक पॉइंट होता है कि आप इस पॉइंट के बाद उस लिमिट को जब आप क्रॉस कर जाएंगे, सर ने हमेशा कहा है कि आप 10 से 15 नंबर लाएंगे उसमें वो नॉर्मल लोग भी ले आएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है 50+ जब एक एक नंबर लाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपको वहाँ तक पहुँचने में करनी पड़ी है। तो सर की बात को मैंने पूरे दिल से लिया एंड सर के इतना डेडिकेटेड तो मैंने आज तक देखा ही नहीं पर्सन। सर पता नहीं एक एक हाथ से क्लास ले रहे हैं, सर का एक्सीडेंट हो चुका है, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, बट सर क्या ही पर रीजनिंग की वजह से सर कहते हैं ना उड़ा डाला तो उड़ा ही डाला। ऐसे तो नहीं आप लोग इसकी तारीफ कर रहे हो साथ में खड़ा हूँ मैं? नहीं सर, आपकी तारीफ मैं आपसे नहीं करता, आपसे तो कर रहा हूँ सामने, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन कोई भी मिलता है ना पुनीत सर तो पुनीत सर, बस बात ही खत्म हो जाती है वहीं पे। तो आज ना हम टाइटल भी यही डालेंगे, बताए हमारी टीम क्या टाइटल डालेगी, अच्छा हुआ मैं 0.75 से फेल हो गया। तो ऐसा नहीं करना है भाई, सबको ऐसा नहीं करना है कि फेल हो जाए फिर मिलने के लिए आए, पास हो गई आप सिलेक्शन कर लें और फिर मिलने के लिए आए। तो ये सारे इंसिडेंट, अभी बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे भी इन लोगों से हुई, कैमरे के सामने एकदम से आके मेरे को भी एकदम से अच्छा लगता है, और ये मुझे थोड़ा बोरियत लगता है सब कुछ थोड़ा बताया हुआ वाला है ना। तो मेरा सबसे ही कहना पढ़ते रहिए और 10 बजे वाली क्लास को मिस मत कीजिएगा, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। कितने लोगों को लगता है कि रीजनिंग ना कहीं एडवांटेज रहा कि एक सब्जेक्ट हमने ऐसा कर लिया जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट में कोई कमी है तो कमियां दूर कर सकते हैं। कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट थे, तो मुझे क्या होता था कि जैसे कोई पर्सन पूछने लगता था कि मुझे क्वांट में कुछ पूछना है तो शायद मुझे अंदर से थोड़ा कभी डर लगता था, बट रीजनिंग ऐसा था ना कि कहीं से कुछ भी लाओ मैं तो बता दूंगा, कोई भी पजल उठा के ले आओ, मेंस की कोई भी चैप्टर ले आओ, ऐसा मैंने रीजनिंग बना लिया था कि कैसा भी पेपर आ जाए रीजनिंग में तो फोड़ के आऊंगा, और रीजनिंग में ही फोड़ा है मैंने। आप बताओ सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा जब आरआरबी क्लर्क का मैंने मेंस दिया था ना, 40 क्वेश्चंस थे पूरे और 40 मार्क्स के, तो मैंने एक नंबर का छोड़ा था, बाकी 39 आए थे सर की वजह से जो मेंस मैंने दिया था सर। अरे वाह बहुत बढ़िया। आप कुछ एग्जाम का कुछ, जो IBPS PO का मेंस का एग्जाम आता है वो बहुत मतलब थोड़ा सा टफ लेवल हम बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इस साल जो मैथ्स का एग्जाम था वो थोड़ा ज्यादा टफ था, तो मुझे पर अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं मैथ का ही तो टफ है, रीजनिंग तो मेरी पुनीत सर की वजह से इतनी अच्छी है, रीजनिंग कवर कर लेगी उस चीज को, एंड दैट्स ट्रू। मैथ्स में मार्क्स बहुत कम थे बट ऑल बिकॉज ऑफ रीजनिंग हम लोगों ने कवर अप कर लिया उस चीज को। चलो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर से रीजनिंग पढ़ने के बाद जब मैं पेपर देने गई थी SBI PO IBPS PO दोनों, तो सब कुछ वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि देखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नया नहीं लग रहा था कि एकदम से आ गया है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत आउट ऑफ द ब्लू आ जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, पर रीजनिंग सर ने ऐसे पढ़ाई थी कि कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि एकदम से आ गया है, सब कुछ सर ने पढ़ाया हुआ था, कुछ न्यू नहीं लगा और बहुत कम्फर्टेबली पेपर सॉल्व हो गया था। थैंक यू। तो मैं सबसे ही बोलूँगा कि भाई हम ये सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं कि रीजनिंग मैं संभाल लूंगा, इंग्लिश मैथ्स जीए आप संभाल लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार आप लोग बोलिए यही वाली लाइन, बाकी आप लोगों को संभालना है, रीजनिंग आपके प्यारे पुनीत सर संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत बढ़िया, थैंक यू।